गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड 19th सेंचुरी। इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द कंडीशंस ऑफ चिल्ड्रन, वुमेन एंड वर्कर्स और देयर कंडीशन ऑफ लिटरेसी और एजुकेशन। इन दिस टॉपिक वी हैव सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ लिटरेसी, इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग लिटरेसी ओवर चिल्ड्रन, वुमेन एंड वर्कर्स। वट वर द कंडीशंस ऑफ चिल्ड्रन, वुमेन एंड वर्कर इन यूरोप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। दीज आर द मेन क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। द 19th सेंचुरी सॉ वास्ट लीप्स इन मास लिटरेसी इन यूरोप, ब्रिंगिंग इन लार्ज नंबर्स ऑफ न्यू रीडर्स अमंग चिल्ड्रन। तो लिटरेसी बढ़नी शुरू हुई, उसके साथ साथ बच्चों की जो है संख्या भी बढ़ रही है, जो रीडर्स बन रहे हैं वुमेन्स भी हैं, वर्कर्स भी हैं। तो ये तीन मेन कैटेगरीज हैं जो यहाँ पर बढ़ रही हैं। अब प्राइमरी एजुकेशन बिकेम कंपल्सरी फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी। चिल्ड्रन बिकेम एन इम्पोर्टेंट कैटेगरी ऑफ रीडर्स। ए चिल्ड्रंस प्रेस डिवोटेड टू लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन अलोन वॉज सेट अप इन फ्रांस इन 1857। तो 1857 के अंदर एक प्रेस बनाई गई है यहाँ पर, जहाँ पर बच्चों के लिटरेचर से रिलेटेड बुक्स जो हैं पब्लिश की जाएंगी। अब दिस प्रेस पब्लिश न्यू वर्क्स एज वेल एज ओल्ड फेरी टेल्स एंड फोक टेल्स। तो यहाँ पर नई वर्क्स जो हैं वो भी पब्लिश किए जा रहे हैं, कुछ पुरानी कहानियाँ गाथाएँ जो हैं वो भी लिखी जा रही हैं, कुछ लोकगीत होते थे जैसे गाने होते थे। द ग्राइम ब्रदर्स इन जर्मनी स्पेंट ईयर्स कंपाइलिंग ट्रेडिशनल फोक टेल्स गैदर्ड फ्रॉम पीजेंट्स। तो ग्राइम ब्रदर्स जो थे, इन्होंने जर्मनी के अंदर काफ़ी समय जो है बिताया। वहाँ के लोग, वहाँ के जो किसान होते थे, उनके जो लोकगीत थे उन्हें इकट्ठा करने में, ताकि उन्हें कंपाइल किया जा सके बुक्स के अंदर। एनीथिंग दैट वॉज कंसिडर अनसुटेबल फॉर चिल्ड्रन और वुड वल्गर टू द एलाइट्स। अब जो बुक्स लिखी जा रही हैं उनके ऊपर एक खास निगरानी की जाती है, एलाइट्स कैटेगरी है एक। ये एक कैटेगरी है जो अपर सोसाइटी के जो लोग हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो प्रिंट मटेरियल तैयार हो रहा है उसके ऊपर निगरानी करते हैं कि कहीं कुछ वल्गैरिटी तो नहीं है मटेरियल के अंदर जो बच्चों के लिए सही ना हो, तो इस चीज़ की जाँच करते हैं। Would appear vulgar to the elites was not included in the published version. तो उसे छापा नहीं जाएगा। This was the condition of children education. Second aspect of this is woman education. Women became important as readers as well as writers. अब women जो हैं उनकी हालत में कुछ सुधार आ रहा है कि वो readers भी रह रही हैं, पढ़ भी रही हैं और लिखने का काम भी कर रही हैं, राइटर्स भी हैं कुछ। पेनी मैगजीन्स, पेनी मैगजीन्स वाज ए काइंड ऑफ मैगजीन्स वर स्पेशली मीन फॉर वुमेन एज वर मैनुअल्स टीचिंग प्रॉपर बिहेवियर एंड हाउसकीपिंग। जिसका मेन पर्पस क्या होता था इन मैगजीन्स का, जो सिखाती क्या है, प्रॉपर बिहेवियर के बारे में और हाउसकीपिंग्स के बारे में, घर की देखभाल कैसे करनी है औरतों को। When novels began to be written in the 19th century, women were seen as important readers. Novels लिखने शुरू हुए तो उस समय readers भी बढ़ रहे हैं, novelist भी बढ़ रहे हैं, और वह दोनों ही categories जो हैं women's से attached हैं। Some of the best known novelists were women: Jane Austen, the Bronte sister, George Eliot. Their writings became important इन डिफाइनिंग ए न्यू टाइप ऑफ वोमेन। अभी तक हमने जो वोमेंस की जो कंडीशंस देखी कि उन्हें दबाया जाता है, वो उन्हें कोई राइट्स नहीं है पढ़ने लिखने के और दूसरी तरह के, घरों पर रखा जाता है उन्हें, तो इन सब से एक नई कैटेगरी सामने आ रही है वोमेन की, एक नई टाइप। ए पर्सन विद विल, स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनैलिटी, डिटर्मिनेशन एंड द पावर टू थिंक, जिसके पास ये सारी क्वालिटीज़ होंगी। लैंडिंग लाइब्रेरीज,
इट रिलेट्स टू अवर थर्ड कैटेगरी विच वॉज वर्कर। इस टॉपिक के अंदर हमने तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था, चिल्ड्रन, वोमेन एंड वर्कर्स, एंड द थर्ड कैटेगरी ऑफ वर्कर इज रिलेटेड टू लैंडिंग लाइब्रेरीज, जहाँ पर इनको पढ़ने लिखने का टाइम मिलता है। हैड बीन इन एग्जिस्टेंस फ्रॉम द 17th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, तो 17वीं शताब्दी के बाद जो है इस तरह की लाइब्रेरीज जो हैं शुरू हुई हैं। इन द 19th सेंचुरी लैंडिंग लाइब्रेरीज इन इंग्लैंड बिकेम इंस्ट्रूमेंट फॉर एजुकेटिंग वाइट कॉलर वर्कर्स, आर्टिसंस एंड लोअर मिडिल क्लास पीपल, समटाइम्स सेल्फ एजुकेटेड वर्किंग क्लास पीपल रोट फॉर देमसेल्फ। तो इसमें जो लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं इससे, वाइट कॉलर वर्कर्स हैं, आर्टिसंस हैं, लोअर मिडिल क्लास पीपल्स हैं और सेल्फ एजुकेटेड वर्किंग क्लास जो है। आफ्टर द वर्किंग डे वाज ग्रेजुअली शॉर्टन्ड फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी, वर्कर्स हैड सम टाइम फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। तो थोड़ा सा जो टाइम ये लोग अपने लिए बचाते हैं, अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए, अपनी एक्सप्रेशन के लिए, वो इसको यूज़ करते हैं यहाँ पर इस लाइब्रेरी में। दे रोट पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स एंड ऑटोबायोग्राफीज इन लार्ज नंबर्स, तो काफ़ी सारे इन्होंने आर्टिकल्स लिखे हैं, ऑटोबायोग्राफीज भी लिखी हैं इन लोगों ने। नेक्स्ट हेडिंग इज फर्दर इनोवेशन। द मेन क्वेश्चन इन दिस टॉपिक इज वट वर द वेरियस इनोवेशंस ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ प्रिंट कल्चर। जो इसके अंदर मेन क्वेश्चन बन रहा है हमारा वो क्या है, वट वर द वेरियस इनोवेशन ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ प्रिंट कल्चर, और वट वर द टेक्निकल अपग्रेडेशन ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ प्रिंट कल्चर। थ्रू द 19th सेंचुरी देर वॉज ए सीरीज ऑफ फर्दर इनोवेशंस इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, तो काफ़ी सारी तरक्कियाँ हो रही हैं यहाँ पर, प्रोग्रेसेस हो रही हैं, इनोवेशंस हो रही हैं। बाय द मिड 19th सेंचुरी रिचर्ड एम हो ऑफ न्यूयॉर्क हैड परफेक्टेड द पावर ड्राइवन सिलेंड्रिकल प्रेस, तो रिचर्ड एम हो ने अब एक नई प्रेस तैयार की है। दिस वॉज कैपेबल ऑफ प्रिंटिंग 8,000 शीट्स पर आवर, 8,000 पेज जो हैं लगभग एक घंटे में छापे जा सकते हैं। दिस प्रेस वॉज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर प्रिंटिंग न्यूज पेपर्स। इन लेट 19th सेंचुरी द ऑफसेट प्रेस वॉज डेवलप्ड विच कुड प्रिंट अप टू 6 कलर्स एट ए टाइम, और इस 19th सेंचुरी के आखिर तक एक ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस जो है वो भी तैयार की गई, जिसमें 6 रंगों के साथ इकट्ठी छपाई का काम किया जा सकता है, 6 कलर्स एट ए टाइम। ए सीरीज ऑफ अदर डेवलपमेंट्स फॉलोड, और भी काफ़ी सारी जो इनोवेशंस हैं, डेवलपमेंट्स हैं, वो यहाँ पर हुई हैं। मेथड्स ऑफ फीडिंग पेपर इम्प्रूव्ड, द क्वालिटी ऑफ प्लेट्स बिकम बेटर, ऑटोमेटिक पेपर रील्स, पेपर को बार बार बदलना नहीं पड़ता, फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स ऑफ द कलर रजिस्टर वर इंट्रोड्यूस्ड। इन 19th सेंचुरी पीरियडिकल्स सीरियलाइज्ड इम्पोर्टेंट नॉवल्स, अब 19th सेंचुरी के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट नॉवल्स यहाँ पे आए हैं, जिनमें एक एडिशंस हैं, जैसे जैसे किसी नॉवल की पार्टीशंस आ रहे हैं, पार्ट्स आ रहे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो इस तरह की बुक्स पब्लिश होनी शुरू हुई हैं, विच गेव बर्थ टू ए पर्टिकुलर वे ऑफ राइटिंग नॉवल्स। फर्स्ट पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट उसके बाद की कहानी शुरू होती है, थर्ड पार्ट में फिर उसके बाद का। इन द 1920s इन इंग्लैंड पॉपुलर वर्क्स वर सोल्ड इन चीप सीरीज कॉल्ड द शिलिंग सीरीज, शिलिंग सीरीज का नाम दिया जाता है इन्हें। द डस्ट कवर और द बुक जैकेट इज ऑल्सो ए 20th सेंचुरी इनोवेशन। एक और चीज़ यहाँ पर अब शुरू हुई कि बुक्स के ऊपर लेदर का या किसी रेक्सियन का एक कवर चढ़ाया जाता है, तो इसे यहाँ पे नाम दिया जाता है बुक जैकेट, ताकि बुक को डस्ट से बचाया जा सके, और डस्ट कवर का नाम भी देते हैं हम इसे।
जैसे कि अभी पुरानी डायरीज़ के ऊपर हम देखा करते थे ब्राउन कलर का, रेड कलर का या ब्लू कलर के कवर्स हुआ करते थे, तो पहले बुक्स के ऊपर इस तरह के कवर्स चढ़ाए जाते थे। कोई पुरानी बुक रखी हो तो उस पर देख सकते हैं हम। विद द ऑनसेट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन इन द 1930s, पब्लिशर फियर्ड ए डिक्लाइन इन बुक परचेज। तो 1930 के आसपास जो है एक थोड़ा सा दबाव देखने को मिला, पब्लिशर्स जो हैं उन्हें थोड़ा सा डर है कि बुक्स की जो परचेजिंग है वो कम हो रही है, और उसका मेन रीज़न क्या है कि बुक्स की कॉस्ट ज़्यादा है और लोग खरीद नहीं रहे हैं। टू सस्टेन बाइंग दे ब्रोट आउट चीप पेपरबैक एडिशंस, और इस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए कि बुक्स जो हैं प्रॉपर सेलिंग होती रहे उसकी, इसके लिए उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा हल्की क्वालिटी का पेपर्स जो है वो उन्होंने अडॉप्ट किया ताकि बुक्स की सेल जो है कंटिन्यू बनी रहे। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव कंप्लीटेड 19th सेंचुरी एंड टुमारो वी विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। थैंक यू।